जब आप नॉर्मल व्लॉग बनाते हो ना तो होता क्या है कि आपकी जो वॉइस है वो एक्सटर्नल माइक से रिकॉर्ड हो जाती है, लेकिन जब आप लोग मोटो व्लॉग बनाते हो तो उस टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। यही दिक्कत मैंने फेस की है, मुझे दो बार ऐसा हो चुका है। मेरा जो फुल प्लान था वो सैटरडे को व्लॉग अपलोड करने का था, बट हुआ क्या कि मैं नीचे अपने भाई को लेने चला गया, मुझे उसको सुंदरनगर से घर लाना था एंड मैं गया भी, मैंने व्लॉग भी शूट किया, बट हुआ क्या ना कि मेरा माइक था वो ख़राब हो चुका था। मैंने उसको पहले टेस्ट किया था, उसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। फिर मैंने क्या किया, हेडफोन लगा दिए। हेडफोन में जब लगाए तो मैंने पूरा व्लॉग शूट कर लिया। उसके बाद मैंने चेक किया कि भाई वॉइस आ रहा है नहीं आ रहा है। जब मैंने चेक किया तो उसके बाद पता लगा कि भाई उसमें तो वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। जो पूरा व्लॉग था वो खत्म हो गया। मैंने फिर क्या हुआ कि मैं सुंदरनगर में मैंने नया माइक ले लिया एंड उसको वहाँ पर चेक किया तो वो काफ़ी अच्छा माइक है। पहले मेरे पास जो माइक था वो था बोया M1 का माइक। अब मैंने परचेज़ किया है OUD M002 माइक। ये कंप्यूटर में और मोबाइल फ़ोन दोनों में लगता है। जब मैं बाइक में रिकॉर्ड करूँगा तो फिर और अच्छी वॉइस आने वाली है या नहीं आने वाली है, बैकग्राउंड नॉइस को कितना इरेज करने वाला है वो भी चेक करेंगे। अभी का मैंने वॉइस रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग सड़क पे निकलने वाले हैं तो बाइक पे रिकॉर्ड करेंगे, चेक करेंगे कि कितना नॉइस बाहर का ये पकड़ता है एंड कितना इरेज करता है। सो फाइनली गाइज, मैंने हेलमेट में अपना कैमरा जो है माउंट कर लिया है एंड अब मैंने माइक भी यहाँ पे फिट कर दिया है। अब चेक करेंगे इसकी साउंड क्वालिटी कैसा यहाँ से ना व्यू आता है। आप देख सकते हो ये अभी पूरा धुंध छा के रखा है। नीरी में कुछ ऐसा सिस्टम है जैसे शाम होती है तो पूरा धुंध छा के रखता है। तो अभी ना मैं चेक कर रहा हूँ इस माइक को कैसा ऐसा साउंड क्वालिटी आएगा। तो अपना जो मेन मार्केट है नीरी का वो इस साइड है एंड पूरा देख सकते हो पूरा धुंध छा के रखा है। तो अभी इस माइक को टेस्ट करेंगे बाइक के ऊपर भी। कई बार क्या होता है ना कि माइक में वॉइस रिकॉर्ड नहीं होती, तो अभी ये तो नया है एंड हो भी रही थी अच्छे तरीके से। तो अभी अपन यहाँ चेक करते हैं एंड फिर निकलते हैं बाइक। तो यहाँ पे हमें रुकना पड़ा था क्योंकि हमारी बहना का फोन आ गया था। जहाँ पे मैं पहले सुंदरनगर में रहता था ना, वहाँ अपनी छोटी सी बहना थी, आप लोगों ने बहुत सारे व्लॉग्स में देखा भी होगा, अविका सेन। अभी उसका फोन आ गया था, मैंने कहा मैं बाइक चला रहा हूँ थोड़ी देर फोन करता हूँ, अभी शाम को वापस जाके उसको फोन करूंगा। एंड ये वाली जगह है बहुत ही अच्छी लोकेशन, ज्यादा दूर मैं जाने वाला नहीं हूँ, जस्ट थोड़ा सा दूर 1.5-2 किलोमीटर आगे निकलूंगा, वहाँ चेक करूंगा। एंड यहाँ पे ज़्यादा थोड़ी धूप भी है, अगर मैं दूसरे गाँव में गया होता ना तो वहाँ पे ज़्यादा धुंध छाई रहती है, तो इसलिए मैंने अवॉइड किया उस चीज़ को, इसलिए मैं इस साइड आ गया। तो अभी इस लोकेशन को चेक करेंगे, कौन सी लोकेशन मुझे भी नहीं पता, यहाँ गांव का कुछ तो नाम है, मुझे ध्यान नहीं है क्या नाम है। नेक्स्ट टाइम जब घर आऊंगा, जब व्लॉग बनाऊंगा तो आप लोगों को जरूर बताऊंगा कौन सा गांव है एंड क्या नाम है यहाँ का। यहाँ रोड काफी अच्छा है आगे तक, लेकिन यहाँ थोड़ा सा 1/2 किलोमीटर बाद जो खराब रोड आ जाता है, बहुत ही खराब रोड है। तो अभी ना बिल्कुल वॉइस नहीं कर रही है बाइक, तो बाहर की वॉइस तो बिल्कुल भी कैप्चर नहीं हो रही होगी, लेकिन जब मैं ऐसे कच्चे रोड में निकलूंगा एंड गियर पे बाइक चलाऊंगा तो थोड़ा साउंड करता है बाइक, जिस रीजन से बाहर का जो एक्सटर्नल नॉइस है ना वो ज्यादा कैप्चर करता था मेरा पहले वाला माइक। तो इस माइक में और उस माइक में थोड़ा सा डिफरेंस तो मुझे लग रहा है, क्योंकि शायद वो पुराना भी हो चुका था जहां तक मेरा आइडिया, या खराब भी हो चुका था। वो था बोया का M1 माइक, इतनी अच्छी वॉइस रिकॉर्ड होती नहीं थी जितनी इससे होती है। बाइक पे कितनी अच्छी वॉइस रिकॉर्ड होती है इससे। आजकल ना हिमाचल में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, आप लोग न्यूज में तो देख ही रहे होंगे। अभी मंडी में ही गोहर नाम की जगह है, वहां पे एक सीन हो गया कि घर दब गया पूरा का पूरा मलबे के नीचे, 8 लोग, उन लोगों की डेथ हो गई। एक ही घर से थे बेचारे, रात को सोए थे तो उनका तो कोई कसूर ही नहीं था, अगर पता चला होता तो शायद वो निकल भी जाते बाहर। थोड़ा सा दूर जाने वाला हूँ मैं, वैसे यहाँ तक सोचा था मैंने, लेकिन चलो आगे एक झरना है वहाँ तक आप लोगों को ले जाता हूँ। तो इसके अलावा ना बहुत सारी ऐसी लोकेशन है अभी मेरे नियर बाय जहाँ मैं आप लोगों को घुमाने ले जा सकता हूँ, लेकिन आजकल ना बहुत ज़्यादा डर रहता है यार, मुझे लगता है कि बारिश में तो थोड़ा बाहर निकलना बहुत ही टफ है, तो मैं अवॉइड करता हूँ। लेकिन जो नियर बाय की लोकेशन हैं वो मैं आप लोगों को घुमा सकता था, बट डर की वजह से मैं उन्हें भी नहीं घुमा पा रहा हूँ। डर जैसा लगता है कि भाई अगर निकल गए कहीं कुछ हो गया तो फिर और डांटेंगे घर वाले, एंड कुछ हो गया तो फिर तो ख़त्म ही कहानी ना, अगर थोड़ा बहुत कुछ हुआ तो फिर डांटेंगे बॉस। अपन जस्ट 2 किलोमीटर और आगे जाने वाले हैं, 2 किलोमीटर भी नहीं है, शायद 1 किलोमीटर ही बचा होगा। तो आजकल रोड की हालत कुछ इस तरह से है। टेस्टिंग ज़्यादा ऐसी जगह पे करना चाहता था जब अगर ऐसी जगह पे गियर्स पे बाइक होगी और हाई एक्सलेटर दूंगा तो क्या कितनी वॉइस आएगी, वो सब मुझे चेक करना है। आते टाइम इसमें ज़्यादा एक्सलेटर लगेगा तो फिर उस टाइम बहुत अच्छे से तरीके से जो है नॉइस चेक हो जाएगा। पिछली बार क्या हुआ ना कि मैं सुंदरनगर चला गया अपने भाई को लेने के लिए, तो वहाँ पे क्या हुआ कि मैंने भंडार से स्टार्ट किया व्लॉग एंड मैंने कटेरू में उस व्लॉग को ख़त्म किया। पता चला कटेरू में कि भाई उसमें तो वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो फिर बहुत दुख हुआ मुझे यार, पूरा का पूरा व्लॉग मेरा चौपट हो गया, पूरा प्लान चौपट हो गया। तो इसलिए इस व्लॉग को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, आई थिंक सो कि ये वाला रिकॉर्ड हो जाए, आगे फ्यूचर तक ये चलता रहे ऐसा ही। यार अभी इतना ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट हम खरीद नहीं सकते ना, इतना हमारे पास बजट नहीं है कि हम GoPro ले लें या फिर अच्छा माइक ले लें, अभी तो अपन को कुछ ऐसे ही जुगाड़ चलाना पड़ेगा। तो फाइनली मैं उस वाटरफॉल के पास पहुँच चुका हूँ, इतना बड़ा वाटरफॉल नहीं है लेकिन फिर भी एक छोटा सा वाटरफॉल। ये पानी जो है 12 महीने रहता है, आजकल बरसात के मौसम में तो बहुत ज़्यादा आके रखा है ये पानी, गर्मी के मौसम में भी आता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत चलता है। तो अपन यहीं से मुड़ जाते हैं, मुझे यहीं तक आना था क्योंकि थोड़ा सा वॉइस रिकॉर्ड करना है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा ये, छोटा सा वीडियो बनाएंगे इसको। यहाँ पर मैं थोड़ा साइड में बाइक लगा देता हूँ, तो वाटरफॉल यही है, ज़्यादा कुछ बड़ा वाटरफॉल है नहीं अभी ना यार, वाटरफॉल ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। वैसे यहाँ पर पूरा मिट्टी यहाँ पर क्या मलवा के रखा है ये ना, अभी लास्ट टाइम जो बारिश हुई थी उसकी वजह से तबाही हुई है।
इसके नीचे, फिर इस पुली के नीचे अगर इस साइड देखोगे तो वहाँ से फिर ज़्यादा वाटरफॉल है। तो अभी ना बहुत ख़तरनाक मज़ा आने वाला है, अभी पता लगेगा इस माइक की असली वॉइस कैसे रिकॉर्ड होती है, क्योंकि अभी ना इतने सारे गड्ढे हैं एंड मैं चलने वाला हूँ फुल एक्सीटर में। अब यहाँ पे पता लगेगा कि कितनी बाहर की नॉइस जो रिकॉर्ड करता है। मैंने ना वाइजर भी बंद करके नहीं रखा है, अगर वाइजर बंद करूँ तो भी थोड़ा असर तो होगा ही, बाहर की वॉइस मुझे देखनी है कि कितनी रिकॉर्ड होती है। वैसे माइक का जो फ्रंट हिस्सा है ना वो मैंने बिल्कुल साथ में लगा के रखा है, तो यहाँ से थोड़ा सा खींचते हैं ताकि थोड़ा पता लग जाए कि गड्ढे, अगर गड्ढे भी हो तो फिर वहाँ पे कैसी वॉइस रिकॉर्ड करता है ये चीज़। यार किसी वीडियो के लिए ना वॉइस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा अच्छी वॉइस अगर होगी तो आपकी वीडियो काफ़ी अच्छी चलेगी, वरना वॉइस ही अच्छी नहीं होगी, बाहर का नॉइस ज़्यादा होगा तो फिर वीडियो देखना लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि इतनी खटपट खटपट चलती रहेगी फिर कौन ही देखेगा। तो बाइक भी ना काफ़ी ज़्यादा वॉइस करती है मेरी, क्योंकि इसका जो फ्रंट हिस्सा है ना यार वो काफ़ी ज़्यादा ढीला हो चुका है, एंड ऑल्सो मीटर बहुत ज़्यादा साउंड करता है इसकी, तो मुझे मीटर को भी चेंज करना था। अब मीटर को कैसे चेंज करूँ, खर्चा बहुत ज़्यादा है एंड इतना बजट हो नहीं रहा है अभी, तो अगर YouTube वाले भैया कुछ दे देते हैं तब तो फिर सोच भी लेंगे कुछ, लेकिन YouTube वाले भैया हमारे बारे में कुछ सोच ही नहीं रही हैं। सॉरी, पिछले 3 सालों से हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं और उस काम का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। चलो कभी ना कभी तो हो ही जाएगा, कभी ना कभी एक दिन तो ऐसा आएगा। ये खड्डे बहुत ख़तरनाक है यार, बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है इस चीज़ में। हाँ से ना पता लग ही जाएगा कि वॉइस कैसी रिकॉर्ड होगी, अगर वॉइस अच्छी रिकॉर्ड होगी तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप लोग भी एक नए नए ब्लॉगर हो एंड पहले पहले स्टार्ट कर रहे हो मेरी तरह, तो फिर आप लोगों को ये वाला माइक मैं ज़रूर सजेस्ट करूंगा, पहले मैं इसको खुद चेक कर लूं। ये हालत होके रखी है आजकल हिमाचल में मैक्सिमम रोड्स की, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और अगर आप तत्तापानी जाओगे ना तत्तापानी सुन्नी तो वहाँ पे तो और भी ज़्यादा रोड की हालत खस्ता है, क्योंकि भाई पूरे पूरे पहाड़ आ रहे हैं ऊपर से, फर्स्ट एंड सेकंड गियर में तो और नॉइस करता है मेरी बाइक। तो यहाँ पे भी चेक करना पड़ेगा कि भाई जब आप अकेले नहीं होंगे आपके साथ कोई दूसरा बंदा होगा तो कितनी नॉइस करता है ये। इट्स फील गुड। तो ना ये वाला रोड तो बिल्कुल सही है, लेकिन वहाँ से बहुत ज़्यादा ख़राब रोड था, यहाँ पे तो अपन आराम से चला सकते हैं, कोई सीन नहीं है। ये आप देख सकते हो पूरी की पूरी पहाड़ियाँ आ रही है नीचे की नीचे, तो अभी कल भी बारिश हुई तो ये आई थी, आज शायद मशीन ने साफ़ कर दिया, तो ऐसे पूरे के पूरे पहाड़ आ रहे हैं। तो फिर मैं सोचता हूँ कि यार अभी अवॉइड ही करते हैं जाना, क्योंकि ऐसी जगहों पर जाना नहीं है और अभी ज़िंदगी जीनी अपने को। ये वाले जो रोड्स रहते हैं ज़्यादा खाली रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा गाड़ियाँ चलती नहीं है, अगर चलेंगी भी तो चलेंगी शाम के टाइम जब कोई जब छुट्टी होती है, जो लोकल टीचर्स हैं वो घर जाते हैं अपने बाइक से या फिर अपनी गाड़ी से, ज़्यादा कुछ खास ट्रैफिक रहता नहीं है इन जगहों पे। बसेस भी 3-4 बसें चलती हैं, वो भी अपने टाइम टाइम की निकलती हैं, फिर ज़्यादा दिक्कत रहती नहीं है यहाँ पे अपनी गाड़ी या बाइक भगाने में। तो अपन यहाँ से थोड़ा सा खींचते हैं क्योंकि सीधा रोड है, यहाँ रुक लेते हैं। तो यही वो लोकेशन थी जहाँ से मैंने फर्स्ट टाइम अपना मोटर ब्लॉग स्टार्ट किया था, जब मैं घर निकला था, एंड अभी मैं यहीं पे हूँ। मैं आप लोग बता रहा था इस बाइक के बारे में कि भाई दिक्कत ये है कि इसका जो ये वाला हिस्सा है ना ये थोड़ा ढीला हो चुका है, एंड मीटर भी थोड़ा ज़्यादा वॉइस करता है, अगर ये चीज़ नहीं लग जाती है ना तो फिर बिल्कुल भी साउंड नहीं करेगा ये, बस यही वाला है। तो ये लगभग 2000 तक तो खर्चा मांगेगा, 2000 से भी ज़्यादा हो सकता है। सो फाइनली अपन कुछ ऐसी लोकेशन में है, एंड ये आप देख सकते हो पूरा धुंध 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 पूरा चारों तरफ धुंध छा के रखा है। तो मैं सोच रहा था कि मैं उस साइड उस वाले गांव में निकलूँ, लेकिन उस गांव में जा नहीं सका क्योंकि वहां पे बहुत ज़्यादा धुंध थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस साइड निकलता हूं, क्योंकि यहां पे ना उस टाइम धूप लगी थी। तो अभी यहां पे भी देख सकते हो कि आप धुंध स्टार्ट हो चुकी है। बाकी एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, अगर आप लोग भी स्टार्ट करना चाहते हो, आपके पास भी स्कूटी बाइक कुछ भी है, अगर आप मोटो व्लॉगिंग के शौकीन हो, व्लॉगिंग करना चाहते हो मोटो व्लॉगिंग, तो आप लोग भी मेरी तरह जुगाड़ लगा के कुछ ना कुछ कर ही सकते हो। एंड मैं मोटो व्लॉगिंग कैसे करता हूँ, मेरे पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को बता दिया है मैंने, वो मैं उस वीडियो का लिंक डाल भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लीजिएगा वहाँ से। तो बाकी इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल।